गवर्नेंस गांव में खुशियां फैलाए, घरों में खिदमात दस्तयाब कराए। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान में इंटरनेट की रसाई यकसर बढ़ाई गई है। आज ई कम्युनिकेशन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई बिजनेस और ई सर्विस वगैरह से जिंदगी आसान व सादा हो गई है। यही वजह है कि इंटरनेट को आवाम तक पहुंचाने के बाद हुकूमत हिंद ई गवर्नेंस के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका हदफ सरकारी मालूमात, खिदमात और शहरियों के साथ ताल्लुकात की फराहमी के लिए सरकारी एजेंसियों के जरिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ताजरियाती हिंदुस्तान जैसा तरक्की पसीद मुल्क जतनों से भरा हुआ है। हुक्मरानी की पेचीदगियों को कम करना और हुकूमत को शहरियों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हर गांव को ई गवर्नेंस स्कीम के साथ मजबूती से जोड़ा जाए। इस बात को भांपते हुए मुअज़्ज़ज़ वज़ीरे आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जोड़कर ई गवर्नेंस की तस्वीर को गांव तक पहुंचाया है। दरियाओं, नदियों, पहाड़ियों, नाकाबिल रियासती सड़कों और बड़े पैमाने पर बर्फानी चट्टानों की वजह से जम्मू कश्मीर में गांव की सतह पर मौसलात या खिदमात फराहम करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इंटरनेट इन तमाम अर्जाती चैलेंजों से निपटने में मददगार है। डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए जहां हुकूमत गांव तक किसी भी किस्म की सर्विस, मदद और मालूमात तक पहुंच सकती है, वहीं दूसरी तरफ वहीं देहाती घर बैठे ही दरख्वास्त, अपडेट, फीस और इंदराज वगैरह के फॉर्म हासिल कर सकते हैं। डिजिटल इंटरनेट प्रोग्राम के तहत मंदरजा ज़ेल चीजों की ताऊ की गई है कि ई गवर्नेंस सर्विस जम्मू कश्मीर के पंचायतों तक ले जाएगी। ग्राम पंचायत की सतह पर लोगों को ब्रॉडबैंड राबता फराहम करना, पंचायत की सतह पर सरकारी दफ्तरों में इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, पैगाम रसानी वगैरह के सहूलियात फराहम करना, बला ताल्लुक बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना, जिला और पंचायत की सतह पर तरबियाती याफ्तारों अहकारों को वसाइल फराहम करना, मांग के मुताबिक ग्राम पंचायत की सतह तक महफूज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना, कौमी रिसर्च, राज्य डाटा रिसर्च और अलग डाटा रिसर्च का मिलान करना, मुख्तलिफ समाजी व इक्तसादी ग्रुपों को डिजिटल जरिए से जोड़ना, देही नौजवानों को तालीम और रोजगार के मौके फराहम करना, ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को रियासती ग्राम स्वराज अभियान के जरिए गाँव तक लाया जा रहा है। देहातियों को ई पंचायत से उम्मीद की एक नई किरण मिली है, क्योंकि इससे पंचायती राज अदारों में जदीदियत, शफाफियत और कारकर्दगी आई है। ई गवर्नेंस के साथ शिरकत को चार मराहिल में तकसीम किया जा सकता है, जैसे हे से हे, वो काम जो हुकूमत से हुकूमत के दरमियान किया जाता है, हे से सीन, वो काम जिसका ताल्लुक हुकूमत और शहरियों के दरमियान है, हे से काफ, वो काम जो हुकूमत और कारोबार के दरमियान है, हे से मीम, वो तमाम काम जो हुकूमत और उसके मुलाजमीन के दरमियान तशवीश का बायस हैं। जम्मू कश्मीर में देहाती सतह पर ई गवर्नेंस के मुख्तलिफ मकासद हैं: ऑनलाइन खिदमात की फराहमी, ई गवर्नेंस और ई खिदमात का एक साथ एहतमाम, पॉलिसी और प्रोग्राम से मुताल्लिक मालूमात की अशात, सरकारी स्कीमों में कामयाबी के लिए आईटी का इस्तेमाल, हुकूमत को अपने तरकियाती अहदाफ के हसूल में मदद करना, फार्म के तयीन इदारों की
शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना, बाइख्तियार बनाना और लोगों को मालूमात के जरिए आगाह करना, हुक्मरानी को बेहतर बनाना, तजारत और सनात की तरक्की में मदद करना, डिजिटल ग्राम सभा के वशान को तेज करना। आज ई गवर्नेंस के जरिए लोग घर बैठे बहुत से सहूलियात हासिल कर रहे हैं, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, फसल बीमा, डिजिटल लेन देन की सहूलियात, जमीन का रिकॉर्ड और जमीन के रिकॉर्ड से मुताल्लिक दीगर खिदमात, कार्ड रजिस्ट्रेशन और अपडेट, इलेक्शन कमीशन सर्विस सहूलियात जैसे ई रिचार्ज, बिल कलेक्शन और ई कॉमर्स, मालियाती खिदमात, बैंकिंग खिदमात, फसल और इंश्योरेंस खिदमात और तालीमी खिदमात वगैरह। लिहाजा ई गवर्नेंस आज की मजमूई तरक्की की टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए हमारी जिंदगी के बहुत से कामों को नाफाज किया जा सकता है। तो आइए हम सब इससे फायदा उठाएं। गांव की तरक्की में शामिल होंगे हम, अब मालूमात हासिल करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।